हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का नीता जी के किचन में। आज हमारे किचन में बनने जा रहा है छोले भटूरे। दिल्ली का मशहूर छोला भटूरा बनाएंगे आज अपने किचन में, और वो भी चूल्हे पे। और आप लोगों का काफ़ी दिन से रिक्वेस्ट आ रहा था कि आप छोले भटूरे बनाएं, तो मैं छोले भटूरे बनाई हूँ दोस्तों। लेकिन एक साल पहले वो बरसात का सीजन था, वो वाला वीडियो ज़रूर देखिएगा अगर नहीं देखे हैं तो। और आज जो मैं छोले भटूरे बनाने वाली हूँ वो सूजी और मैदा से बनाऊँगी। बहुत ही टेस्टी बनेगा और आपका भटूरा एकदम गुब्बारे की जैसे फूलेगा। तो चलिए बनाते हैं छोले भटूरे। काला वाला छोला भी बनाएंगे और साथ में भटूरा बनाएंगे, और आलू होगा तो हम कच्चा आलू भी बना देंगे, ठीक है आपके लिए। तो यहाँ पे देखिए, हम छोले को रात भर के लिए भिगो दिए थे। ये फूल के बड़ा बड़ा हो गया है। ये मीडियम साइज़ का छोला है, आप चाहें तो छोटा भी ले सकते हैं, बड़ा भी ले सकते हैं। कोई सा भी छोले का आप छोले भटूरे बना सकते हैं। तो सबसे पहले हमें कुकर में डालना है, रात का जो पानी था ड्रेन कर लिए थे, दूसरा पानी हम डाले हैं, इससे छोला फ्रेश हो जाता है। तो अब हम छोले को कुकर में डायरेक्ट बॉयल के लिए डाल रहे हैं। यहाँ पे हम कुछ खड़े मसाले लिए हैं, आपको बताते हैं क्या क्या है। दो दालचीनी का टुकड़ा है, ये डाल देंगे छोले में। दो बड़ी इलायची है, ये भी डाल देंगे छोले में। दो छोटी इलायची है, ये भी डाल देंगे छोले में। तीन चार यहाँ पे हम लिए हैं आंवला, ये सूखा हुआ आंवला है, इससे ना हमारे छोले काले हो जाएंगे। अगर आपके पास ये ना तो आप क्या करें, इतना बड़ा पोटली बना लें कोई भी कॉटन कपड़ा का, उसमें एक चम्मच चाय पत्ती रख के और पोटली बना के डाल दें, उससे भी छोले काले पड़ जाएंगे। अगर वो भी ना हो चाय पत्ती भी, तो आप क्या करें कि अनारदाना बाजार से मिलता है, वो आप ले के आ सकते हैं 10-20 रुपया का, वो भी डालने से छोले काले हो जाते हैं, बहुत टेस्टी बनते हैं। तो हमारे पास तो अनारदाना नहीं मिला है, तो हम छोले से ही काले करेंगे, छोले बोल रहे आंवले से ही काले करेंगे, ठीक है। तो डाल लेते हैं इन सबको हम। अब इसी में हम पानी डालेंगे छोले के ऊपर तक, 1 इंच ऊपर तक पानी डालिएगा कि छोला जले ना, क्योंकि छोले में हमें 4 से 5 बीसल लगवाना है। कचालू वाला आलू बनाना है तो इसी में 4 आलू बड़े आकार का डाल दीजिए और ये उबल जाएगा। आपको लग रहा है कि छोला हमारा अच्छा से नहीं गल पाएगा, तो इसमें 1 पिंच सोडा भी डाल सकते हैं आप। तो ये खाने वाला मीठा सोडा है, इसको ना कई लोग मीठा सोडा बोलते हैं, कई लोग खाने वाला सोडा बोलते हैं, कई लोग बेकिंग सोडा बोलते हैं। लेकिन दोस्तों आप लोग कन्फ्यूज नहीं होइएगा, बेकिंग सोडा खाने वाला सोडा, मीठा सोडा एक ही है, ठीक है। और बेकिंग पाउडर सिर्फ अलग है। बेकिंग पाउडर जैसे कि केक बनाने वगैरह में काम आता है। तो बहुत दिनों से आप लोगों का केक का भी रिक्वेस्ट है, वो भी पूरा करेंगे, याद आ गया। अब इसको मैं ढक्कन बंद करके और 4 भीसल लगवा लेते हैं, जब उबल जाएगा फिर आपको हम दिखाएंगे। और तब तक हम मैदा गून के तैयार करेंगे भटूरे के लिए। तो यहाँ पे देखिए, हम 400 ग्राम मैदा को छन्नी से छान के ले लिए हैं, और ये हमारा 100 ग्राम सूजी। सूजी आप कोई सा भी ले सकते हैं, मोटा पतला दोनों चलेगा। ये दोनों को ना हमें मिलाना है, और यहीं पे हम देखिए कितना डाल रहे हैं खाने वाला सोडा। 2 चुटकी इस तरीके से, चुटकी से आप पकड़िएगा तो 2 चुटकी इसमें खाने वाला सोडा डालिएगा, ज़्यादा नहीं डालना है दोस्तों। 1 चम्मच चीनी लिए हैं, 1/2 चम्मच नमक लिए हैं, इन दोनों को भी हम मिला लेंगे इसी में। इस तरीके से अगर आप बनाते हैं ना भटूरे, तो आपका भटूरा बिल्कुल फूला फूला बनेगा और जालीदार बनेगा, एकदम पक्का 100% गारंटी है। तो देखिए अब हम इसमें क्या मिलाने वाले हैं। ये है दही, ये खट्टा दही हम 100 ग्राम लिए हैं। तो पहले इन सब चीज़ों को हम मिक्स कर देंगे, ये देख रहे हैं, अच्छा से मिला लेंगे। तो सभी चीज़ों को आपस में मिला लेंगे, ठीक है, ये देख रहे हैं मिला लिए। अब इसी में हम दही को भी मिलाएंगे। अब दही को हमें मिलाते हुए फेंटते हुए अब इसको गून लेना है। ज़्यादा सख्त हमें आटा को नहीं लगाना है, क्योंकि इसमें सूजी भी है तो थोड़ा लूज ही रहेगा, क्योंकि सूजी फूलेगा भी। तो देखिए मैं कैसा इसको गून के तैयार कर रही हूँ, ये इतना लूज है, देखिए देख रहे हैं, जब भी जाके सूजी अच्छा से फूलेगा। हल्का सा पानी का छींटा मार के इसको, ज़्यादा नहीं गूंथना है, बस मिक्स कर देना है कि सारा चीज़ आपस में मिक्स हो जाए। 1 चम्मच हम ऑयल लेके, ये जो मैदा है हमारा सूखेगा नहीं, इस तरीके से ये सॉफ्ट बना रहेगा। अब इसको हम ढक के कम से कम नहीं हो तो 2 घंटा रेस्ट पे रखेंगे। अब इसको हम डो को
कम से कम 2 घंटा रेस्ट पर रखेंगे, उसके बाद हम भटूरे बनाएंगे। अगर आप 3 घंटा रखते हैं तो और बढ़िया है, 4 घंटा रखते हैं तो और बढ़िया है, और 4 घंटा से ज़्यादा ना रखें, नहीं तो खट्टा हो जाएगा आपका आटा। ठीक है दोस्तों, तो अभी गर्मी का दिन है तो 2-3 घंटा चलेगा, और सर्दी का दिन हो तो आप शाम को भी गूंद सकते हैं इस तरीके से, सुबह बनाएं तो चलेगा। तो ढक के रेस्ट पर रख देती हूँ और फिर मैं आपसे मिलती हूँ 2 घंटा के बाद। चूल्हा जला लेते हैं, अब फटाफट हम बनाएंगे छोले। छोले तो चूल्हा जला लिए, एक कढ़ाई रखते हैं जिसमें हम छोले बनाएंगे। तेल में डालेंगे हम 2-3 तेज पत्ता और 1 कश्मीरी लाल मिर्च, 1/2 छोटा चम्मच जीरा। अच्छा से हम इसे चला देंगे और भून लेंगे। तो देखिए हमारा तड़का यहाँ पे अच्छा से भून चुका है। 3 टमाटर को बिल्कुल बारीक बारीक काटे हैं, आप इसे प्यूरी भी बना सकते हैं। टमाटर हम डालेंगे कढ़ाई में, टमाटर को हम 2-3 मिनट छोड़ देंगे गलेगा। टमाटर हमारा देखिए कितना अच्छा से गल चुका है, तो यहीं पे हम डालते हैं 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। अब यहीं पे हम सूखे मसाले ऐड करेंगे, 2 चम्मच धनिया का पाउडर, धनिया पाउडर है 2 चम्मच, 1/2 छोटा चम्मच से भी कम हल्दी पाउडर, और 1.5 चम्मच ये है लाल मिर्चा पाउडर। मसाला डालने के बाद में अच्छा से हम इसे भूनेंगे 2-3 मिनट के लिए। टमाटर देखिए कितना बारीक काटे थे, तुरंत गलने लगा है। तो यहाँ पे जो मैं टमाटर डाली हूँ वो देसी टमाटर था, तो उसमें पानी छोड़ा है। अगर आप बॉम्बे टमाटर डाल रहे हैं तो उसमें 1 कप पानी आप ऐड कर लें। और देखिए इसको मसलते हुए हम इसका ग्रेवी तैयार कर रहे हैं छोले के लिए। अब यहाँ पे आप देखिएगा तो मसाला जो है ना वो अच्छा सा तेल छोड़ दिया है, देखिए किनारे किनारों पे, बस ऐसी चाहिए हमें। अब इसी स्टेज पे हमको डालना है इसमें। तो छोले को हम देखिए उबाल लिए थे, इस तरीके से आप मसलेंगे तो आसानी से मसल जाएगा छोले। और इसमें जो आंवला डाले थे वो इसी में रहेगा, मैं फेंकूँगी नहीं। अब डालते हैं हम कढ़ाई में। तो यहाँ पर देखिए हम छोले को पानी समेत डाले थे, और अब हम कैसे पकाएंगे मैं आपको दिखाती हूँ। इसमें हम स्वाद अनुसार नमक डालेंगे सबसे पहले, और यहीं पे अगर आपके पास छोला मसाला है तो 1 चम्मच डालें, नहीं तो गरम मसाला 1 चम्मच डालें, कोई सा भी डालना चाहिए। मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पे देखिए हमारे जो छोले हैं वो बिल्कुल साबुत साबुत है, थोड़ा सा इसमें से है मैश कर लेंगे हम, इससे ना ग्रेवी बन जाएगा और खाने में टेस्टी लगता है। तो इस तरीके से हम दबाएंगे तो ये मैश हो जाएगा। आप किसी भी गिलास से या पोटैटो मैशर से कर सकते हैं। अब छोले में हम इतना ही पानी ऐड करेंगे जितना आपको ग्रेवी मतलब रखना है, मोटा पतला देख सकते हैं आप अपने अनुसार। तो मैं उसी हिसाब से थोड़ा ठीक ही छोला बनाऊंगी। अब छोले को हम 5 मिनट पका लेते हैं ढक्कन से कवर करके। तो देखिए हमारा छोला बन के हो गया है तैयार। तो यहाँ पे देखिए हम 2 मिर्ची को बीच से फाड़ लिए हैं, अब इसमें डाल लेते हैं छोले के अंदर थोड़ा सा धनिया का पत्ता, अगर आपके पास कसूरी मेथी है तो कसूरी मेथी भी डालें। थोड़ा सा मैं अदरक का लच्छा काटी हूँ, ऊपर से डाल लूँगी। यहाँ पे हम एक छोटी सी कढ़ाई बैठाते हैं, इसमें कचालू बनाएंगे। कचालू के लिए हम देखिए आलू को इस तरीके से कटिंग कर लिए हैं, बॉयल आलू है, 2-3 आलू छोटे आकार का हम लिए हैं। 1 चम्मच हम रिफाइंड ऑयल डालेंगे कढ़ाई में, ज्यादा तेल की जरूरत नहीं है। 2 चुटकी हम हल्दी पाउडर डालेंगे, ज्यादा नहीं, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर और 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, और यहीं पे हम 1/2 चम्मच किचन किंग है वो डाल रही हूँ। अब इसी मसाले में हम आलू डाल देंगे। सारा मसाला के साथ हम आलू को ना तलेंगे, उससे पहले हम इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। अब आलुओं को हम 3-4 मिनट तक अच्छा से भूनेंगे लो फ्लेम पे, ज़्यादा हाई फ्लेम नहीं रहेगा, नहीं तो जल जाएगा। थोड़ा सा हम 1 छोटा मिर्च को लंबे आकार में काट लिए हैं, धनिया की पत्ती इसमें डाल के इसको
जब लो फ्लेम पे आप भूनिएगा ना कचालू को, तो आलू के ऊपर ना एक बढ़िया से कोटिंग आ जाता है ब्राउन ब्राउन, और वो खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है भटूरे के साथ। तो अब हमारा कचालू भी तैयार है, फटाफट हम भटूरे बना लें। कहाँ से आईले भागा। भटूरे बनाने के लिए हमेशा बड़ा कढ़ाई और मोटा तल्ला का कढ़ाई, भटूरे बनाने के लिए हमेशा मोटे तल्ला का कढ़ाई लें और बड़े साइज, जब जाके भटूरे अच्छे बने। तो मैदा अपना देख लेते हैं, तो मैदा देखिए कितना अच्छा सूजी के साथ फूल गया है। अब इसको ना थोड़ा सा हम मिला लेंगे। तो अब लोई काट लेते हैं, तो अब हम लोई काटेंगे। तो लोई काटने के लिए इस तरीके से, इतना बड़ा आपको भटूरा बनाना हो उसी हिसाब से लोई काटिएगा, मैं छोटा छोटा ही बनाऊंगी। कैसे भी बना लीजिए लोई, भटूरा फूल जाएगा। सभी पेंदे पे थोड़ा थोड़ा ऑयल लगा लें, ये नॉर्मल ऑयल है, सूखेगा नहीं। थोड़ा सा धनिया का पत्ती भी आप इस पे मार सकते हैं, पत्ती पत्ती डंठल नहीं डालिएगा। एक लोई लेंगे, थोड़ा सा सूखा मैदा में लगाते हुए इसको बेल लेंगे। बेलने के लिए जैसे हम लोग रोटी बनाते हैं ना, सेम आप बेलिएगा, और थोड़ा परथन भी लगा लीजिएगा, और बिल्कुल पतला बेलिएगा। ये देखिए ज़रूरत पड़ने पे चकला को भी घुमा सकते हैं, और देखिए इतना पतला हम बेल के तैयार कर लिए हैं। तो देखिए हम सेम तरीके से डालेंगे भटूरे को, और गर्मा गर्म तेल इस पे डालेंगे। जैसे ही भटूरा फूल जाए इसे पलट दें, और देखिए कितना बढ़िया फूला हुआ भटूरा बना हुआ है। बेलने का तरीका सेम रहेगा, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जो धनिया का पत्ती लगा रहे ना, सिर्फ पत्ती पत्ती हो, उसका जरा सा भी डंठल चला जाएगा तो वो भटूरे में जाके छेद कर देगा और आपका भटूरा नहीं फूलेगा। तो ज़्यादा पतला भी नहीं बेलना है, एक बार और आप देख लीजिए। बहुत से दोस्त बोलते हैं कि बेलते वक्त मेहनत लगता है, बिल्कुल मेहनत नहीं लगेगा इस तरीके से बनाइएगा। तो देखिए ये थोड़ा सा, मतलब ज़्यादा पतला नहीं है, थोड़ा सा जैसे हम पूरी बेलते हैं ना वैसी है सेम। तो सेम तरीके से हम डालते हैं भटूरे को, इस तरफ से डालेंगे जिस तरफ से धनिया नहीं है उस तरफ से। अब बीच का डुबा देंगे पर्सन, और डुबाने के बाद गर्मा गर्म तेल उछालिए इसके ऊपर सावधानी से, नहीं छींटे आपके ऊपर भी आ सकते हैं। और देखिए कितना मस्त भटूरा फूल रहा है। आप मार्केट जाना भूल जाइएगा दोस्तों, ऐसा भटूरा अगर घर में बनाइएगा तो बस फ्लेम का भी काफ़ी कमाल है। फ्लेम देखिए चूल्हे पर तो हम लोग कंट्रोल थोड़ा करना मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी आपको हम चूल्हे पे ही दिखाएं। अब इससे अच्छा भटूरा क्या लीजिएगा बताइए। दोनों तरफ से देखिए सुनहरा कलर का हो गया है, और फूलने में तो लग रहा है कि। तो इसी तरीके से मैं भटूरा बनाऊंगी दोस्तों, लेकिन अभी खाने वाला कोई है नहीं, बना के रख दूंगी तो ठंडा हो जाएगा। लेकिन देखिए क्या कमाल का भटूरा बना है। तो एक दो बार आप भी ट्राई कीजिएगा ना, तो थोड़ा कम फूलेगा, कभी ज़्यादा फूलेगा, घबराने का नहीं है, बस बनाते रहना है। तो आपको मैं एक बड़ा साइज का भटूरा बना के और दिखाती हूँ, आप भी बोलिएगा कि क्या कमाल कर दिए। तो दो लोई का एक ही भटूरा हम बना रहे हैं दोस्तों, जय श्री राम का नाम लेके। भैया सही बनना दोस्तों का सवाल है। देखिए दोस्तों कितना बड़ा बेल लिए हैं। अब मैं बेलन से इसलिए बता रही हूँ कि पीटने वाला तो हमको भी उतना नहीं आता है, ये जो ये वाला उतना नहीं आता है, लेकिन कभी ट्राई करेंगे। तेल गरम है, भटूरा छोड़ देते हैं, जा भैया गंगा जी में डुबकी लगाओ। भैया नाम नहीं डुबाना, दोस्त लोग यहीं पे हैं। कढ़ाई छोटी पड़ गई भाई, फूल जा भाई फूल जा, इज्जत का सवाल है, फूल जा सिम सिम।
भगवान बचा लिए, आप हमारे साथ हो। देखिए दोस्तों, छोटा कढ़ाई था फिर भी इतना बड़ा भटूरा, ये बड़ा कढ़ाई में ही बन सकता है। थोड़ा आँच भी डाउन हो गया था, नहीं तो और फूलता। देखिए और इसका मोटाई देख लीजिए दोस्तों। तो दोस्तों फटाफट आप लोगों को सर्व करके दिखा देते हैं, क्योंकि मैं आप ही लोगों के लिए बनाई हूँ। अभी बच्चे आएंगे तो बाद में खाएंगे, तो बाद में बनाऊंगी। तो बहुत तेज गर्मी है, शाम तक बारिश पक्का आएगा, निश्चित है। जब बारिश आएगा तो सबका मन करेगा कुछ अच्छा खाने का, तो भटूरा फटाफट दे दूंगी तल के। इस डो को आप फ्रिज में रख दें या ऐसी नॉर्मल जगह पे भी रख दें तो भी आप 1 से 2 दिन तक बना सकते हैं। 2 दिन तक ना ये खट्टा नहीं होता है, नॉर्मल जगह पे रखेंगे तब, जैसे फ्रीजर में नहीं, फ्रीज में। तो आप बनाइए, इंजॉय कीजिए। मैं आपको छोला भटूरा सर्व करती हूँ। थोड़ा सा लच्छा डाल के हम सर्विंग कंप्लीट करते हैं। खीरा है, प्याज है, नींबू है, तो मैं सर्व कर लेती हूँ थोड़ा सा। ये देखिए दोस्तों, छोले भटूरे बनके हो गए हैं तैयार। और ये हम आपके लिए बनाए हैं साथ में कच्चा आलू और छोले सलाद, सभी चीज़ों के साथ आपको सर्व किए हैं। हमारे बाबूजी बोलते हैं छोला भटूरा तो छोला भटूरा बनके हो गया है तैयार। और जल्दी से दोस्तों आप लोग आ जाइए खाने के लिए, हो जाइए तैयार। और ये भटूरा देख के किसके मुंह में से पानी नहीं आएगा। तो आप कब बना रहे हैं बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और मैं इंतज़ार करूंगी आप लोगों का रिव्यू का, कि आप बनाएं और घर में खाएं और फिर हमें बताएं। तो बस थोड़ी थोड़ी बातों को ध्यान में रखिएगा, आपका भटूरा भी ऐसी फूलेगा। आपका भटूरा है, आप छोटा बनाए, बड़ा बनाए, जैसा मर्जी बनाए, लेकिन घर की कढ़ाइयों में छोटा छोटा ही अच्छा बनता है। तो आप भी बनाइएगा इस तरीके से। और भी कोई कंफ्यूजन हो तो पूछिएगा, मैं जरूर बताऊंगी। कितना सिंपल सा मेथड बताई हूँ आप, और आप लोगों का भी भटूरा ऐसी बने। तो पिछले भटूरा को जैसे प्यार दिए थे आप लोग, ये भटूरा को भी वैसे प्यार दीजिएगा। लेकिन बारिश तो नहीं टपक रहा इस साल, लेकिन शाम तक पक्का बारिश आएगा। अगर बारिश आ गया तो आपको हम जोड़ देंगे क्लिप। ठीक है दोस्तों, तो फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी में। तो दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि आज तो खाने के लिए हमको बोले ही नहीं अनीता जी, तो मैं आप लोगों को कभी भूल सकती हूँ? नहीं, कभी कदार भूल जाती हूँ। जब इतना टेस्टी सामान बना होना तो भूल जाती हूँ। तो सबसे पहले तो मैं आपको दिखाती हूँ कि भटूरा ये कैसे बना है जालीदार। तो देखिए इसमें तो लग रहा है कि सुरंग है भैया। ये देखिए कितना बढ़िया भटूरा बना है, एकदम बिल्कुल इसके अंदर ना जाला जाला हो गया है, देख रहे हैं। तरी से बोर के खिला देती हूँ, कचालू भी दी, कचालू भी आप लोगों के लिए। और फिर तो मैं खाऊंगी, कैसा लगा टेस्ट बताइएगा। कोई नहीं है खाने वाला, मैं ही खाऊंगी, लालची भी नहीं खाएंगे। तो लुक तो लेते हैं खटिया पर बैठ के। अचार अचार दही आम के, मरीचा के, गाजर का अचार तो खत्म हो गई है। गाजर का ही तो चाहिए था दोस्तों, बाहर जाती है तो बहुत खाती है गाजर का। इसका जो स्वाद है ना छोले का, मैं आमचूर इसलिए नहीं डाली कि इसमें टमाटर डाली थी, इसलिए बहुत अच्छा टेस्टी बना है। वैसे भी हमारा देसी टमाटर होता है, ये वाला काफी खट्टा था। दोनों फिनिश कर जाएंगे, कचालू के साथ तो पूछिए मत।